प्रॉमिस के दो पार्ट होते हैं, दो मेथड होते हैं, एक रिजॉल्व और एक रिजेक्ट। ये दो मेथड को हम कॉल किससे करते हैं, इनको देन और कैच से। ठीक है, प्रॉमिस को जो हम कॉल करेंगे ना, देन और कैच का यूज करके करेंगे। ठीक है, या तो आपकी प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगी, नहीं तो आपकी प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, प्रॉमिस के अंदर दो ही काम होते हैं, रिजॉल्व और रिजेक्ट। ठीक है, अब इनको यूज कैसे करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, जब भी आप समझ में आएगा। तो चलो बनाओ एक फंक्शन। सो मैंने एक क्लास बना प्रॉमिस नाम की, एक क्लास बना लो प्रॉमिस नाम की, प्रॉमिस नाम की सब लोग एक क्लास बना लें। नहीं वो क्लास नहीं, मैं फाइल का नेम बना लो। मैं क्या क्लास बना लो, फाइल का नेम बना लो प्रॉमिस नाम का, फाइल एक। सब लोग एक बना लें फाइल प्रॉमिस नाम से। बन गया सबका फाइल। सबका फाइल बन गया। अब देखो, अब मैं बनाता हूं यहां पे क्या, एक एचटीएमएल लिखो। कहाँ चल रहा है पर? अच्छा उसमें जेएस में। ठीक है, चलो देखो फंक्शन, देखो फंक्शन पी आर ओ एम प्रोमिस लिख दो, पी आर ओ एम कर दो शॉर्ट फॉर्म, पी आर ओ एम फंक्शन का साइन। और इसके अंदर लिखो कंप्लीट या ट्रू, कंप्लीट लिख दो, कंप्लीट सी लिख दो, कुछ भी कंप्लीट कुछ भी लिख दो, मतलब फंक्शन का नाम है तो कुछ भी लिख सकते हैं ना, बस सी है। अब इसके अंदर आ जाओ, लिखो रिटर्न, रिटर्न फंक्शन पढ़ा था ना। अब देखो मैं क्या रिटर्न कर रहा हूं, प्रॉमिस। अब मैं क्या बनाने वाला हूँ, प्रॉमिस नाम का एक मेथड, एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो कैसे बनाते हैं, देखो न्यू प्रॉमिस को कैसे डिफाइन करते हैं। यहाँ पे देखो न्यू एक ऑब्जेक्ट बना के स्पेस देके प्रॉमिस, पी कैपिटल प्रॉमिस, फंक्शन का साइन। इसके अंदर देखो फंक्शन, फंक्शन देखो फंक्शन, फंक्शन का साइन लगा दो। उसके अंदर देखो देखो रिजॉल्व कॉमा रिजेक्ट, रिजॉल्व कॉमा रिजेक्ट, कर्ली ब्रैकेट लगा के एंटर दे दो। इतना बन गया, इतने में डाउट? हमने एक बनाया फंक्शन, उस फंक्शन के अंदर मैं रिटर्न कर रहा हूँ किसको, प्रॉमिस को। उसके अंदर मैंने बना, प्रॉमिस का एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और उसके अंदर मैंने दो बनाए मेथड, एक आरईएस मतलब रिजॉल्व, एक आरईजी रिजेक्ट, कुछ भी दे सकते नाम। ये दोनों कॉल किससे होंगे, देन और कैश से। ठीक है, इतना डाउट किसी को तो नहीं है, इतने में डाउट बोलो भाई, ना तो हाँ बोलो। सर, हाँ, नहीं सर, कोई समझ वेव वो चल रहा है कोई इतना डाउट नहीं। यस डाउट नहीं सर, ना। चलो अब इसके बाद देखो, एक लगाते हैं छोटी सी इफ कंडीशन लगा, इफ अभी थोड़ा सिंपल समझाता हूँ। इफ फंक्शन का साइन लगाओ, देखो कंप्लीट या सी, ऊपर भी सी लिख दो, ना लोग कहें कंप्लीट क्या होता है, सी लिख दो, सी सिंपल, ऊपर भी सी लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो तो, है ना। कर्ली ब्रैकेट लगाओ, देखो रिजॉल्व, देखो कर्ली ब्रैकेट लगा लो, आर ई एस फंक्शन का साइन लगाओ, आर ई एस, उसको तुम रिजॉल्व लिख दो, रिजॉल्व लिख दो, रिजॉल्व लिख दो पूरा, तुमको समझ जल्दी आएगा। रिजॉल्व लिखो, रिजॉल्व और रिजेक्ट, लिखने को कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, लिखने को तो कुछ भी लिख लो, रिजॉल्व फंक्शन का साइन। और इसके अंदर देखो, देखो डबल कोट करना, आई एम सक्सेसफुली, आई एम सक्सेसफुली, कुछ भी लिख सकते हैं। और एल्स में लिखो, एल्स में लगाओ, एल्स में लिखो रिजेक्ट, आई एम फेल्ड, आई एम फेल्ड, लिख लिया इतना। अब देखो ये दो फंक्शन है, दिख रहे हैं आप लोग यहां पर, रिजॉल्व और रिजेक्ट।
ये दोनों जो फंक्शन है ये अपने आप कॉल नहीं होंगे, ठीक है, समझ आ गया। ये दो जो फंक्शन है रिजॉल्व और रिजेक्ट, ये अपने आप कॉल नहीं होंगे, समझ आ रहा है। इसके लिए हमें दो कॉल बैक फंक्शन का यूज करना होगा जो इनवैलिड होते हैं, एक देन और एक कैच, जो प्रॉमिस हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अभी सिंपल देखते हैं, अभी इस फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे। तो नीचे आया लाइन नंबर 9 पे देखो, प्रो फ्रॉम, फ्रॉम फंक्शन का साइन और लिख दो इसके अंदर ट्रू, फंक्शन के अंदर लिख दो ट्रू, ठीक है। तो इस ट्रू का मतलब क्या होता है, सेमीकोलन मत लगाओ, सिंपल हमने क्या लिख दिया सब लोग, सबको दिख रहा है ट्रू लिख दिया मैंने। ट्रू का मतलब क्या होगा कहानी में, सी में क्या चला गया, सी में क्या, ट्रू क्या है, बूलियन वैल्यू है, सी में ये क्या है, बूलियन वैल्यू है ना, सी में ट्रू चला गया तो इस कंडीशन ट्रू हो गया, कर देगा यस सर, है ना, ये करेगा ना, आई एम सक्सेस कर देगा, चेक करते हैं यस सर। तो रन करके देखो कुछ चल रहा है क्या, कुछ आया अभी, कुछ नहीं आया ना। एक काम करो, इस प्रो को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लो, फिर कंसोल करके देखो क्या आ रहा है, कंसोल डॉट लग करके देखो क्या आ रहा है, इसमें सेव करो, चेक करो, देखो क्या आ रहा, क्या लिखा हुआ है, देखो थोड़ा ऊपर करो टर्मिनल में, टर्मिनल थोड़ा ऊपर करो ना, दिखा दूँ क्या लिखा है कंसोल, देखो कहाँ चले गए, दिख रहा है सबको, प्रॉमिस, प्रॉमिस दिख रहा है लिखा हुआ, अरे आना तो बोलो, प्रॉमिस में क्या लिखा है, आई एम सक्सेसफुल, दिख रहा है प्रॉमिस चल रहा है, रिटर्न हुआ प्रॉमिस। अब एक काम करो, फॉल्स करो, वहां फॉल्स करो, अब चेक करो, अब क्या आ रहा है, देखो एरर आ गई इसमें, सबको दिख रही है एरर, आई एम फेल्ड लिखा गया, देखो आई एम फेल्ड, पूरे पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, पढ़ो खुद से आपसे, वो कैच कह रहा है, कैच यूज करने के लिए, दिस एरर लिखा है, देखो कैच यूज करने के लिए हम लोगों से, द प्रॉमिस रिजेक्ट विद द रीजन आई एम फेल्ड, बोल रहा है ना हमसे कैच यूज करने के लिए, पढ़ो सब लोग, rejected from which was not a handle with catch, हाँ ना, तो बोला करो आप लोग थोड़ा ना, समझ आ रही नहीं आपको, है ना। वो कह रहा है कि अगर आपको सही तरीके से मैसेज शो कराना है तो आप जो रिजेक्ट और रिजॉल्व फंक्शन है ना, तो इनके लिए आप इनको कॉल करने के लिए देन और कैच का यूज करो, है ना। तो अब जब मैंने ट्रू किया तो प्रॉमिस रिटर्न हुआ, बाकी नहीं हुआ, प्रॉमिस में क्या लिख के आया था, आई एम सक्सेसफुली, मगर रिजॉल्व लिख के नहीं आया था उसमें, है ना, प्रॉमिस लिख के आया था ना। चलो आ जाओ, पहले इतना चला के देखें आप लोग, वो ट्रू कर देना, ट्रू अभी पूरा हुआ नहीं है, अभी आधा हुआ है, ट्रू कर दो, चला दो, सेव करके दिखा दो उनको। तो देखो मैसेज क्या लिख के आ रहा है, प्रॉमिस ऑब्जेक्ट का साइन, आई एम सक्सेसफुली, दिख रहा है आप लोगों को, क्योंकि प्रॉमिस दो चीज रिटर्न करता है, देन और कैच, सही होगा देन चलेगा, गलत होगा तो कैच चलेगा। तो प्रॉमिस दिखा दिया, अभी मैं देन और कैच का यूज करके दिखाऊंगा आप लोगों को, नोट करो इतना, अभी आधा पार्ट हुआ है, नोट करें सब लोग। चलो अब थोड़ा आगे दे, अब देन और कैच का यूज करते हैं, ठीक है ना। अभी कैच में एरर दे गया था ना, जब हमने फॉल्स कंडीशन करी, जब हमने फॉल्स करी तो उसने एरर दे दिया, ठीक है। तो अब देन कैच लगाते कैसे वो आप देखो, देखो इसके आगे जटा देना कंसोल, जैसे बढ़ा दो वेरिएबल, यहाँ पे इस तरीके से यूज नहीं होते, नीचे नीचे लाइन नंबर 10 के बाद जो लगा वेरिएबल से बढ़ा दो, ये
देखो प्रो नीचे आ जाओ, नीचे फंक्शन तो कॉल करना पड़ेगा ना। देखो प्रो सी फंक्शन का साइन लगाओ, ट्रू करो, ट्रू 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 डॉट डॉट देन फंक्शन का साइन, देखो उसके अंदर आर ई एस और बाहर उसके एरो फंक्शन, एरो फंक्शन लगेगा, एरो फंक्शन ऐसा नहीं, पहले फंक्शन का साइन लगाओ फिर एरो फंक्शन लगाओ उसके अंदर, फिर लोगो आर ई एस एरो फंक्शन उसके अंदर अंदर। हाँ ठीक है सही लगाया, सही कल सगा एंटर दे दो, कंसोल डॉट लॉक करो उसके अंदर, कंसोल डॉट लॉक में आर ई एस लिख दो, अगर ट्रू होगा तो आर ई एस में डेटा आ जाएगा, देन के अंदर डेटा आ जाएगा, और करो यहाँ पे कैच डॉट कैच डॉट कैच उसमें एरर ई डबल आर फंक्शन का साइन एरो फंक्शन ई डबल आर एरो, जब कुछ भी लिख सकते हो आर ई एस ई आर कुछ भी, ठीक है कंसोल डॉट लॉक में लिख दो एरर, ये कुछ भी लिख सकते हो आप, देन के अंदर लिखा है आपने आर ई एस। अब ये देन और कैच मैंने क्या बोला था, जो प्रॉमिस के अंदर जो दो फंक्शन जो होते हैं ना, जो आपने लिखा है रिजॉल्व और रिजेक्ट, किससे कॉल होते हैं हमारे, देन और कैच से, ठीक है जी प्री डिफाइंड है। अब चेक करो सेव करके क्या आउटपुट आ रहा है, देखो देखो अब सही आउटपुट आ गया सही तरीके से, सब देखो आगे लिखा हुआ आई एम सक्सेसफुल जैसा आना चाहिए था। अब कैच अब फॉल्स करो, अब देखो एरर कैसी आती है, देखो देखो आगे आई एम फेल्ड दिख रहा है सबको, सही मैसेज आ गए दोनों, दोनों फंक्शन कॉल हो गए प्रॉमिस। चला के देखो आप लोग, रिजॉल्व और रिजेक्ट तो नाम दे रखे हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं उनकी बल्दी, चला के देखो इतना प्रॉमिस का ही अपडेट वर्जन है असिंक अवेट, रखना जो प्रॉमिस जो पढ़ा रहा हूं ना, ये किस लिए पढ़ा रहा हूं, असिंक अवेट के लिए, जो ES 6 का पार्ट है और प्रॉमिस है 7 वाला पार्ट, 7 का, तो जब तक प्रॉमिस समझ में नहीं आएगा तो आप असिंक अवेट नहीं समझ पाओगे, इंटरव्यू में 110% पूछा जाएगा आप लोगों से, जब कोई वैसी कंपनी में जाओगे स्टार्टअप्स में ऐसे डायरेक्ट कहीं भी। चलो अब नोट हो गया, अब इसमें देखो एक चीज नहीं हो पा रही है, एक चीज हमने अभी नहीं की, अभी जानते हो पेंडिंग, पेंडिंग वाला कुछ किया हमने इसमें भी नहीं किया ना, नहीं किया, अब उस पर चलते हैं पर पेंडिंग पे। चलो अब थोड़ा समझाता हूँ जी, मैं क्यों समझा रहा हूँ ये समझाता हूँ, जैसे जिसने भी एंगुलर सीखा होगा अभी, क्योंकि अभी आपने ऐसा कुछ काम तो किया नहीं एपीआई वाला, क्या होता है कि जब कोई डेटा उठ के आता है ना एपीआई से, समझाता हूँ प्रोसेस, क्योंकि देखो आप लोग हम लोग क्या सीख रहे हैं, मर्न स्टैक सीख रहे हैं, तो बैकएंड में एपीआई बनेगी फ्रंट एंड में लगेगी, तो क्या होता है कि जब आप एपीआई का डेटा उठ के आता है ना तो कुछ थोड़ा टाइम लेता है, थोड़ा क्या लेता है टाइम लगता है उसमें आने में। अब मान के चलो आप डेटा डिस्प्ले करा रहे हो एपीआई का डेटा, अब उसमें मान के चलो आप कैसा भी डेटा डिस्प्ले करा रहे हो, अब मान के चलो आपका डेटा डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है, तब तक वो पेज लोड नहीं हो पा रहा, तो ये तो गड़बड़ कहानी है ना, पेज लोड नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम पेज तो लोड हो जाए, पेज लोड हो जाए, टेबल दिखने लगे, भले डेटा सो ना हो, कम से कम पेज तो लोड हो जाना चाहिए ना, कैसा होगा कि नहीं पहले भैया पहले डेटा उठ के आएगा डेटा बेस से तब पेज लोड होगा, तो पंगा हो जाएगा जी, तो बहुत बड़ा है ना, तो ऐसा ऐसे होता है एपीआई के साथ में। मान के चलो आपने एपीआई कहीं कॉल करी, अभी दिखाऊंगा कॉल करके मैं आप लोगों को, आपने कहीं एपीआई कॉल करी, तो अब क्या हो रहा है कि जब तक एपीआई डेटा उठ के नहीं आ पा रहा है तब तक आपका पेज लोड नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये असिंक अवेट चलो क्या कहते हैं, ये कहते हैं देखो भैया हमें आने में टाइम लगेगा, तब तक आप पेज लोड कर दो। जैसे मैं सिंपल से एग्जांपल दूं, ऐसे आप लोग घर में रहते हो, घर में एक बाइक है, मान के चलो एक या घर में दो बाइक है, पापा पे भी चाचा पे भी है, अब तुम्हें कॉलेज जाना है, तुमने पापा से कहा पापा मुझे बाइक दे दो मुझे कॉलेज जाना है, तो
तो पापा बोले कि नहीं मुझे भी अर्जेंट काम है भैया। अब तुमने पापा से कहा पापा मेरा पेपर है, पापा बोले ठीक है चल तुम्हारा काम जरूरी है तुम कर लो, मैं बाद में चला जाऊंगा, जब तुम हो जाओ मैं उसके बाद चला जाऊंगा। सुना है ना चीज़ कि तुम चले जाओ मैं उसके बाद चला जाऊंगा। फिर कहीं ऐसा होता है पापा के नहीं तुम घर बैठो हम होके आएंगे तब तुम जाओगे, इतने में तुम्हारा पेपर छूट जाएगा। सुना है नहीं सुना है रियल एग्जाम्पल में आप लोगों ने। पापा कहते एक काम करो तुम मेरी बैग लेके चले जाओ हम बाद में चले जाएंगे या किसी और की बैग ले जाएंगे। यस सर। तो वही सेम काम चलता है असिंक में। असिंक का वेट क्या कह रहा है, ये प्रॉमिस क्या कह रहा है कि भाई देखो मेरा वेट मत करो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, वो कह देता है कोड में मुझे टाइम लगेगा डेटा उठाने में, तब तक आगे का पेज लोड कर दो और जब वो पेज लोड हो जाए तब मेरे पास आ जाना और मुझे कॉल लोड कर देना। ठीक है वही कहानी हम पढ़ने वाले हैं, उसी के लिए हम पढ़ रहे हैं प्रॉमिस असिंक का वेट। अभी दिखाऊंगा अभी मैं, तो अभी आप यहाँ पे देखो अभी इसमें दिखाता हूँ देखो थोड़ा सा। अभी आप अभी क्या हो रहा है कि डायरेक्ट सब कुछ हो रहा है यहाँ पे कुछ वेट नहीं हो रहा, अब हम थोड़ा वेट कराते हैं इसको। ठीक है इसी के अंदर ही तो चलो लाइन नंबर 2 के नीचे आ जाओ, लाइन नंबर 2 के नीचे लिखो यहाँ पे कमेंट हो थर्ड स्टेट, कमेंट हो थर्ड स्टेट पेंडिंग, कमेंट लिखो थर्ड स्टेट पेंडिंग। अब हम जो पेंडिंग वाला पार्ट है उसको यूज करते हैं। देखो देखो कंसोल डॉट लॉग देखो उसके अंदर फैचिंग डेटा कॉमा प्लीज वेट, फैचिंग डेटा कॉमा लगा प्लीज वेट डॉट लगा दो डॉट। अब नीचे आ जाओ उसके। हाँ अब क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट का एक मेथड होता है सेट टाइम, उसका यूज करते हैं सेट टाइम आउट का, है ना सेट टाइम आउट का एक मेथड यूज करते हैं सेट टाइम आउट। देखो वो आ रहा नीचे सेट टाइम आउट, फंक्शन का साइन लगाओ, एरो फंक्शन लगाओ उसके अंदर, एरो फंक्शन लगाओ और कर्ली ब्रैकेट का एंटर दे दो। अब जी इफ एल्स उठा के उसमें डाल दो, इफ एल्स उठा के उसमें डाल दो अंदर उसके। सेट टाइम आउट में क्या होता है हमें टाइम सेट कर देंगे इतने टाइम बाद ये कोड चलेगा। ठीक है ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, एपीआई का डेटा आता है ना थोड़ा टाइम लगता है वो भी सीखेंगे अपन, तो एक एग्जाम्पल समझ लो। तो अपन सेट टाइम आउट में टाइम सेट कर देते हैं कॉमा लगाना लाइन नंबर ग्यारह पे कर्ली ब्रैकेट्स के बाद कॉमा और 3 सेकंड कर दो, 3000 सेकंड 3 सेकंड हो जाएगा जी। ठीक है अब क्या होगा, अब सुनो जैसे अभी सेव मत करना जैसे आप सेव करोगे तो क्या होगा, नीचे आओ कैसे चलेगा पूरा सिस्टम देखो, ये पूरा सिस्टम चलेगा कैसे देखो, नीचे आओ नीचे थोड़ा नीचे देखो ऊपर, हाँ पहले ऊपर देखो लाइन नंबर एक पे आया वो चलेगा कैसे देखो सब लोग अच्छे से। लाइन नंबर एक पे आया आपने कहा फंक्शन प्रो, अब प्रो आ गया अभी सीधा कहाँ पहुंच जाएगा नीचे आ जाओ, अंदर तो नहीं जाएगा ना अंदर कब जाएगा जब फंक्शन कॉल होगा, सीधा नीचे आ जाएगा लाइन नंबर 14 पर। लाइन नंबर एक सीधा कहाँ पे आएगा वो 14 पे आएगा ना, जब आप ये फंक्शन कॉल करोगे ट्रू कर देना इसको ट्रू सेव मत करना, जब आप ये फंक्शन कॉल करोगे फिर वो जाएगा ऊपर चलो लाइन नंबर 2 पर, फंक्शन मिल गया लाइन नंबर 2 पे आया प्रॉमिस देखिएगा है ना, हमने इसके अंदर क्या कर रखा है रिजल्ट रिजेक्ट कर रखा है, फिर हमने क्या कर रखा है लाइन नंबर 4 पे कंसोल कर रखा है, तो पहले सबसे पहले हमें क्या दिखाएगा वो कंसोल दिखाएगा, फिर हमने लगा रखा है सेट टाइम आउट और कितना टाइम दे रखा है मैंने 3 सेकंड, तो 3 सेकंड वेट करेगा उसके बाद मैसेज शो करेगा आई एम सक्सेसफुल। यही तो होता है जब डेटा उठ के आता है तो थोड़ा टाइम लगता है, तो वो टाइम हमने यहाँ पे दिखा दिया 3 सेकंड क्योंकि अभी अपन एपीआई तो लगा नहीं रहे हैं है ना, तो इसलिए आपको वैसे ही दिखा रहा हूँ मैं चीज़ें। तो चलो अब चला के दिखाओ उनको, सेव कर दो देखो आया देखो वेट हो रहा है 3 सेकंड सब देखो अब आ गया देखो, फिर दिखाओ उनको चला के टाइम बढ़ा दो 6 सेकंड कर दो उसका, 6 कर दो अब देखो फिर से सब देखो ये बस सीरियस, अब देखो थोड़ा कंट्रोल दोबारा चालू करो उसको देखो अब वेट हो रहा है फैचिंग डेटा प्लीज वेट 6 सेकंड के बाद चलेगा, देखो आ गया ऐसी तो होता है एपीआई में सब लोग जब डेटा फैच होता है। अरे आना तो बोला करो, यस सर थोड़ा टाइम लगता है ना आने में, यस सर। अब एक काम और करो लाइन नंबर 13 के नीचे आओ, लाइन नंबर 13 के नीचे यहीं पे लिखो कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे लिखो हेलो ग्वालियर,
ठीक है। चलो अब सेव करो, अब देखो क्या होने वाला है यहाँ पर। देखो देखो पहले क्या लोड हुआ, हेलो ग्वाले फैचिंग डेटा, दिख रहा है आप लोगों को, फिर आई एम सक्सेसफुल आ गया। पहले क्या चला, ऊपर से कोड नीचे आया, कंसोल चला दिया उसने, फिर ऊपर चला गया, ऊपर चलना ये सेट टाइम आउट के बाद आ जाओ, सेट टाइम आउट लिखा लाइन नंबर 12 के बाद, 12 के बाद इसी के नीचे कंसोल लगा दो, कंसोल डॉट लिव, देखो तो हेलो फंक्शन, अब देखो क्या होता है, सेव करो। चल गया, अभी कंसोल नहीं चल रहा होगा, गड़बड़ कर रहा है, कहाँ कॉल किया देखना इसको, रिटर्न कर दिया ना, यहाँ से हटा दो, यहाँ से चल नहीं जाओगा, वो सही लगाया अपने इसको, हाँ आप चलाओ। देखो देखो यहाँ पे देख लो वो चीज़ जो समझाना चाह रहा था, दिख रहा है आप लोगों को, अभी नहीं समझ में आएगा उनको, दो मिनट को, एक बार सर्वर बंद कर दोबारा चालू करो, अभी हटा दो, ये हटा दो, टर्मिनल हटा दो, टर्मिनल टर्मिनल को हटाई दो, हटा दो उसको। अब देखो सब ऊपर से देखो, मैं अगर इस कोड को चलाऊंगा तो क्या प्रोसेस चलेगी, समझना अच्छे से, लाइन नंबर 1 पे आएगा, फिर 1 के बाद सीधे कहाँ चला गया वो, नीचे आ गया कॉलिंग के टाइम पे, उससे पहले क्या प्रिंट कर देगा वो, हेलो ग्वाले प्रिंट करेगा सबसे पहले, हेलो ग्वाले के बाद फिर कॉलिंग होगी, कॉलिंग के टाइम ऊपर चला जाएगा, फिर लाइन नंबर 4 को प्रिंट करेगा, फैच डेटा प्लीज वेट, फिर सेट टाइम आउट के अंदर आएगा, और फिर मैंने क्या लिख दिया 6 सेकंड। तो अब 6 सेकंड के ऐसा तो करेगा नहीं कि भाई जब वो ये सेट टाइम प्रिंट कर ले उसके बाद हेलो फंक्शन कॉल करेगा, हमने क्या कहा कि भाई देखो हमें 6 सेकंड लगेंगे, तब तक आप आगे चले जाओ, आगे नीचे उसको प्रिंट कर लो, तो उसने वो क्या प्रिंट कर देगा, हेलो फंक्शन, फिर हेलो फंक्शन के बाद जैसे 6 सेकंड हो जाएंगे फिर इसको प्रिंट करेगा, ऐसा कहीं कर रहा है कि नहीं भाई पहले हमें प्रिंट होगा, तुम 6 सेकंड में रुके रहो। अब देखो कोड में समझ लो, इसी पे डिपेंड है पूरा एक्सप्रेस। अब रंग दिखाओ लोगों को, देखो यहां पे अब तुरंत देखना सब लोग क्या क्या हो रहा है यहां पे, देखो देखो हेलो ग्वालियर आ गया, फैश आ गया, फंक्शन कॉल हो गया, हेलो फंक्शन 6 सेकंड के बाद देखो अब आया, समझ में आ गई ये कहानी, जाटपुर समझ में आ गए कैसे आ रहे हैं, बोलो महाराजा। यस सर, सबको समझ में आ गया जाटपुर किस तरीके से आ रहे हैं, अरे रिस्पांस तो दो, मैं आगे बढ़ू तभी तो कुछ समझू। यस सर, कि ऐसा हुआ हेलो फंक्शन, अगर ऐसा होता होटल वाली कहानी याद है, होटल वाली का होटल में क्या होता है, होटल की कहानी सुनो, होटल में अगर ऐसा होने लगे तो क्या होगा सोचो, मान के चलो एक दो बंदे गए, अंकुर और जेडी सोनी दोनों लोग गए होटल के अंदर, अंकुर ने कहा कि दाल मखनी और एक रोटी और चावल लेके आओ, और फिर जेडी सोनी ने कहा एक कॉफ़ी लेके आओ, सोचो तो अब क्या हो रहा है होटल में जो है ना, होटल में क्या हुआ कि अंकुर का खाना पहले आ गया, अब जेडी सोनी कह रहा है यार भाई मेरी एक कॉफ़ी थी, एक कॉफ़ी के लिए आपने मुझे 1 घंटा लगा दिया आने में, वेटर क्या बोलता है कि सर अंकुर का ऑर्डर पहले लगा हुआ था तो वो आ गया, तो बोला कि जिस सिस्टम क्या होता है भाई, मेरा एक कॉफ़ी के लिए मैं वेट करूँगा 1-2 घंटे, होटल में कहीं ऐसा होता है क्या, अगर आप कॉफ़ी का ऑर्डर दोगे और एक बंदे ने खाने का ऑर्डर दिया है, जिसका पहले बन जाएगा उसको पहले मिल जाएगा, ये तो होता है, वेटर क्या कहता है कि सर उनका एक जैसे अभी अंकुर को गुस्सा आ जाए, अंकुर कहे अरे ये तो बंदा अभी आया आपने इसको तुरंत दे दिया लाके, तो बेटर बोलता नहीं कि सर इनका कॉफी था तो हाल बन गया, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, पॉइंट समझ में आ गया, नोट कर लो, बेटर ही बेकार है सर, हाँ नोट कर लो जल्दी सब लोग, अब इसको इसी पे डिपेंड है पूरा, नोट कर लें इसको, प्रॉमिस फैच डेटा डॉट जे एस, वही पूरा कोड कॉपी पेस्ट कर लो यहाँ पर,
ये पूरा उठा लो, पूरा सेम टू सेम ये पेस्ट कर दो। चलो सब लोग वही वाला उठा के पूरा पेस्ट कर लें, पूरा उठा के वही पेस्ट कर लें। मुझे कंसोल से बटा दो, लग रहे कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, समझ में तो भी आएगा आपको अच्छे से। अब इसके बाद चलो एक लिखो वेबसाइट जेसन प्लेस होल्डर, हम उसकी एपीआई लगाते हैं, जेसन प्लेस होल्डर की एपीआई लगाते हैं हम लोग। चलो देखो जेसन प्लेस होल्डर ओपन कर लो, ओपन कर लो वेबसाइट। हाँ सब लोग देखो ये वेबसाइट है, सब लोग देख लें जेसन प्लेस होल्डर। अब यहाँ पे देखो नीचे, बस गुजरा थोड़ा नीचे गुजरा थोड़ा, देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा वो फैच। जावास्क्रिप्ट में अगर आपको एपीआई लगानी होती है ना तो हम किस मेथड का यूज करते हैं, फैच का। दिख रहा है देन लगा हुआ इसके अंदर, सब लोगों ने ओपन कर लिया, बस ठीक है ठीक है, इतना काफी, जूम कम जूम नहीं करो। अब देखो अब डेटा कैसे फैच कराएंगे वो देखो, हम लोग इस यूआरएल को कॉपी करो, जाकर पेस्ट करो ब्राउजर पे, इसमें डेटा उठ के आ रहा होगा। देखो सिंगल डेटा आएगा, एक ही डेटा, क्योंकि आईडी बन हो रही ना, सब देखो सिंगल डेटा उठ के आ रहा है, क्योंकि आईडी बन लगी हुई यहाँ पर, सबको दिख रहा है आईडी बन लगी हुई है, तो सिंगल डेटा आ रहा है। मल्टीपल चाहते हो कि सिंगल दिखाऊं, मल्टीपल चाहते हो सर, सिंगल देख लो, सिंगल आ गया तो मल्टीपल भी आ जाएगा वो क्या। चलो आओ आओ कोड में चलो, तो अब डेटा शो कराते हैं। अब देखो डेटा जो फैच होगा ना यहाँ पर, उसके लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जेसन क्या नाम है, जेक्वेरी की मदद से करेंगे डेटा फैच। जो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम डेटा फैच करते हैं ना, तो उसके लिए हम लोग जेक्वेरी का यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ जेक्वेरी, जो पेस्ट कर लेना, जेक्वेरी इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, है ना, जेक्वेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा npm करके। कोड में आओ, लगेगा नहीं इसको इंस्टॉल करना, उसमें आना इंस्टॉल करना पड़ेगा इसमें जेक्वेरी को, मुझे नोड जेएस के अंदर, और फिर रिक्वायर करना पड़ेगा। अच्छा ग्लोबली इंस्टॉल कर लें? हाँ ग्लोबली कर लो, कैसे CMD में? हाँ चलो पहले ट्राई करते हैं ना, पहले ट्राई करते हैं ना, करना पड़े। चलो नोड जेएस लगा हुआ सा चल जाए, तो चलो ऊपर कोड में आओ, ऊपर आओ कोड में, वो कोड में आओ नहीं फिर करना पड़ेगा, ऊपर कोड में आओ। हाँ जी फैस हटा दो यहाँ से, अब देखो यहाँ पे हम यूज इफेस हटा दो यहाँ से, अंदर से, अंदर से इफेस हटा दो। हाँ अब यहाँ पे देखो डॉलर जेक्वेरी का मेथड होता है डॉलर डॉलर डॉट गेट, देखो डॉलर डॉट गेट फंक्शन का साइन, और उसके अंदर देखो डबल कोट के अंदर वो एपीआई का यूआरएल पेस्ट कर देना, कॉमा लगाओ उसके बाद, डबल कोट के बाद कॉमा, फिर देखो फंक्शन, फंक्शन फंक्शन का साइन, और उसके अंदर लिख दो डेटा, और कर्ली ब्रैकेट लगा के एंटर दे दो, बाहर उसके कर्ली ब्रैकेट लगा के एंटर दे दो। हाँ अब इसके अंदर देखो देखो कंसोल डॉट लॉग, देखिए डेटा उठ क्या भी रख नहीं आ रहा, कंसोल डॉट लॉग में लिखना डेटा। हाँ पहले इतना चेक करो, चेक करो देखो डेटा उठ क्या रख नहीं आ रहा, पहले वैसे आ जाना चाहिए। हम वेट कर रहा है वो, डॉलर इज नॉट डिफाइन देगा ना यार वो। अब एक काम करो इसके लिए फैच लगाओ, फैच फैच लगा देना जेटा के, फैच वहां पर था वाला फैच, इससे चेक करो इससे आ रहा कि नहीं आ रहा, सेव करो। फैच इज नॉट डिफाइन, वही ना हमें लिंक लगानी पड़ेगी ना, इसलिए नहीं आ रहा है। एक काम करो ना, दो मिनट लगेगा, जी पूरा कोड कॉपी करो, एचटीएमएल डाल दो उठा के।
मतलब स्टॉप स्टोर करना पड़ेगा। एक बना लो एचटीएमएल की फाइल, ये बना लो वही डाल देते हैं और चेक कर लो बस। एक बना लो एचटीएमएल की फाइल सिंपल सी बस, उस पर लिंक करके चेक कर लो, बाद में स्टॉप स्टोर करते फिरेंगे। वो पूरा उठा कर पेज पहले एचटीएमएल लिखो, स्क्रिप्ट लगा लो, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट करना पेस्ट कर लो, पूरा कोड आगे पेस्ट कर लो, बस दिखा दूँ आपको कि डेटा चलता है। जब मैं हमें समझना था प्रॉमिस क्या होता है, अब मैंने समझ लिया है। चलो मैं लिंक दे रहा हूँ, ये मैं लिंक दे रहा हूँ, मुझे लिंक लगा दो जेक्वेरी बस। अब जे अभी अभी ना देखो जेक्वेरी इंस्टॉल करना पड़ेगा पूरा, तो इसलिए आप चेक कर लो। लिंक दे दी, मैं लिंक तो लगा लो पहले जेक्वेरी की। ऊपर लगा लो, ऊपर लगा दो, नहीं लगा दो हेड के नीचे, ऊपर ऊपर हेड में। चलो ठीक है, लग जाए कोई दिक्कत, लग जाए चेक ही तो करना है। चलो आप चेक कर लो, अब ब्राउजर रन करना पड़ेगा तुम्हें, ब्राउजर रन करो। हाँ इसी पर कर दो चेक, ब्राउजर पे जाकर गूगल ऐप पे क्लिक कर दो, अभी कहाँ आया, आ रहा है, स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। एलाओ एक्सेस करो, चलो कंसोल में जाओ, वहां पर सही करो उसको, जाकर जाओ कोड में, वहां पर डॉलर डॉलर करो, डॉलर ऊपर चलो फैच जगह लिखो डॉलर डॉट गेट, बस अब चेक करो सेव करके। देखो आगे उठ के सब देख लो, सबको दिख रहा है क्या, आगे देखो एपीआई का दिख रहा है बाकी लोगों को, डेट आउट क्या आ गया सिंगल, यस सर। आप लोग चेक कर लें, वहां पर भी कर सकते हैं, तो वो एनपीएम इंस्टॉल करना पड़ेगा जेक्वेरी, उसके बाद होगा सब कुछ। तो वो तो मैं आपको उससे दिखा दिया कैसे होता है, बाकी तो अपन काम में यूज करेंगे। आप लोग भी करके चेक कर लो, ऐसे कोड दिखा दो तुमको, कहने का मतलब ये है कि आप जावास्क्रिप्ट से, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी एपीआई लगा सकते हैं, जैसे मैंने जेसन की लगाई वैसे अपनी भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो वेट हुआ कि नहीं हुआ, अब जो डाल देना 6000 यहाँ से, अब सिंपल भी चलाओगे तो चल जाएगी, अगर सिंपल में सेट टाइम हटा दूँ ना तो भी चल जाएगा, सेट टाइम हटा देना, फिर पूरा डाल दो सेट टाइम, पूरा डाल दो सेट टाइम, पूरा सेट हटा दो, सेट टाइम पूरा डाल दो या बाहर निकाल दो उसके, हाँ ये कमेंट कर लो बाहर निकाल दो, चाहे पेस्ट कर दो, ऐसे चेक कर सकते हो आप लोग, चेक कर लो, बस सेव कर दो, सेव करके चेक कर लो, इसी दिन चले गया होगा वेबसाइट पे, रिफ्रेश करो, एक बार रिफ्रेश करो, देखो हेलो चल गया दिख रहा है, पहले क्या चला हेलो ग्वालियर चला, फिर फैची नेटा प्लीज वेट चला, फिर हेलो फंक्शन चला, दिख रहा है सबको, थोड़ा जूम कर देना, थोड़ा जूम कर दो, सब यहाँ देखें, मैंने यहाँ पे कोई टाइम सेट नहीं किया है, आप लोगों को दिख रहा है मैंने कोई टाइम सेट नहीं किया है, कोड दिखाओ उनको, देखो यहाँ पे मैंने कोई सेट टाइम सेट नहीं किया है, जबकि पहले क्या चलना चाहिए था 18 के बाद 19 के बाद चलता 22 वाला कोड, मगर पहले चला 18 वाला, फिर चला 22 वाला, फिर चला 19 वाला, क्योंकि डेटा उठ के आने में टाइम लगेगा ना, जी तो डेटा अभी एक है, वेबसाइट चलना जेसन की, जेसन की वेबसाइट पे आना है, नीचे आओ, नीचे नीचे आओ और नीचे आओ, इस पर क्लिक करना पोस्ट पे, पोस्ट वाली पे लगा लो, पोस्ट वाली ऊपर वाली ऊपर वाली ऊपर वाली पोस्ट वाली, इस पर क्लिक करो, ये पूरा कॉपी करो, ये पेस्ट करो। अब देखो इसमें डेटा बहुत सारा है ना, तो ये और टाइम लेगा आने में, जी यहाँ पेस्ट कर दो, अब सब देखो सेव करो, जाओ वहां पर कंसोल में करके एक बार रिफ्रेश कर देना, देखा आप लोग अभी भी कौन सा पहले आ रहा है, दिख गया बात समझ में आ गई, अब कोड दिखा दो, यस सर, क्लियर हो गया ना कि प्रॉमिस क्या होता है, देन कैच क्या होते हैं,
अब अगली क्लास में क्या सीखोगे आप लोग? Async await, इसी का अपडेटेड वर्जन है।